और राजनीति में आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश के हिंदुओं की, जो तख्तापलट के बाद अपने मुल्क में हाशिए पर जा चुके हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ अभद्रता की जा रही है, पुरुषों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लाखों हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा है, मगर कोई मुल्क ना शरण देने को तैयार है और ना उन्हें बांग्लादेशी कट्टरपंथी उनके अपने मुल्क में रहने दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगजनी, रेप और दंगे, आखिर बांग्लादेशी हिंदू क्या क्या सहेंगे? पाई पाई जोड़कर जो आशियाना बनाया था उसे उपद्रवियों ने तबाह कर दिया, क्योंकि ये हिंदू है। जी तोड़ मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था हमलावर सब लूट कर ले गए, क्योंकि ये हिंदू है। पुरुषों को मारा पीटा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, लड़कियों का बलात्कार किया, क्योंकि ये हिंदू है। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया। जिस बांग्लादेश को हिंदुओं ने अपने खून पसीने से सींचा, दुनिया की दौड़ में मजबूती के साथ खड़ा रखा, आज वही हिंदू बांग्लादेश की धरती पर आंसू बहाने पर मजबूर है। सब कुछ लूट कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तस्वीरें गवाह हैं कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदू निशाने पर है। घरों को गिराया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में खुलेआम लूटपाट की जा रही है, और उपद्रवी जो चीजें नहीं ले जा पा रहे हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं। अपना नाम की अपना वशवंश है, मार दीजिए अपना के बांग्लादेश के गांवों में गुर्बत की जिंदगी बसर करने वाले हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी गलती है क्या? क्यों उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं? क्यों उनके साथ गैरों सा सलूक हो रहा है? समस्या नहीं भाई, आपनारा राजनीति के जहर ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की मति ऐसी भ्रष्ट की है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आतंक समझ आ रहा है। क्या शहर, क्या गांव, क्या अमीर, क्या गरीब, बांग्लादेश का हर कोना हिंदुओं के लिए मौत का कोना बन चुका है। हर एक दिन खौफ के साए में बिताने को मजबूर है बांग्लादेश के लाखों हिंदू परिवार। কত জন লোক এবো কালকে আসছিল তারা? তাদের কি কাউকে আপনারা চিনেন? कौन यकीन करेगा कि ये वही मुल्क है जिसे भारत के करोड़ों हिंदुओं ने अपनी ताकत और पाक नियत के साथ आजाद मुल्क बनवाया, पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश में लाखों हिंदू परिवार खुद को लाचार और असहाय महसूस करने पर मजबूर है, और करोड़ों हिंदुओं की उम्मीद और भरोसा हर बीतते वक्त के साथ टूटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं, हिंदू पर अत्याचार की इंतहा हो रही, लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता पूरी तरह खामोश। पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट तक नहीं किया गया, टीएमसी ने चुप्पी साध ली, बांग्लादेश के हिंदुओं पर डीएमके खामोश है, आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बीएसपी खामोश है,
लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खामोश है। साथ ही सीपीआई, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोशी साध कुछ नहीं कहा। भारतीय विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बड़े विपक्षी नेता भी पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बांग्लादेश की सीमा शेयर करते पश्चिम बंगाल के राज्य की सीएम ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश। आपके नेता संजय सिंह ने भी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के कोई शब्द तक नहीं कहा। उद्धव ठाकरे पूरी तरह चुप। शिवसेना यूपीडी प्रवक्ता संजय राउत ने जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी। तेजस्वी यादव ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तमाम वो चेहरे हैं जो हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी बात रखते आते हैं।